नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। पूर्व मंत्री लालजी वर्मा व राम अचल राजभर हुए साइकिल पर सवार, हाथी से उतर दोनों दिग्गजों ने साइकिल पर किया भरोसा। सभाओं के माध्यम से दोनों नेता करेंगे शक्ति प्रदर्शन। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। लखनऊ पार्टी कार्यालय पर लालजी वर्मा एवं राम अचल राजभर ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। दोनों नेता हाल ही में बसपा से किनारा कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय पर साइकिल पर सवार हो गए। आगामी 7 नवंबर को सपा मुखिया अखिलेश यादव अकबरपुर में सभा को संबोधित करेंगे। इसी सभा के माध्यम से दोनों नेता सपा द्वारा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू हो अखिलेश यादव आक्रामक दिखे। तो आइए सुनते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा। खाद को लेकर के ललितपुर में दुखद घटना हुई कि जहां किसान लाइन में लगा रहा उसकी जान चली गई। इस सरकार ने खाद खरीदने की कोई तैयारी नहीं की। जहां उत्तर प्रदेश सरकार जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली वाली सहयोग कर रही है, आखिरकार क्या वजह है? क्या किसान को DAP, किसान को खाद जब उसको जरूरत है तब नहीं मिल पा रहा है? और सरकार आखिर क्या क्या कर रही है? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, DAP महंगी कर दी और खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। समाजवादी साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत है, न डीजल और पेट्रोल की जरूरत है। आखिरकार भारत सरकार ये बताए कि जो डीजल और पेट्रोल से मुनाफा कमाया जा रहा है, ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? क्योंकि साइकिल से आपत्ति यह है कि साइकिल जब चलेगी तो ना पेट्रोल ना डीजल, और जब पेट्रोल डीजल साइकिल नहीं खरीदेगी, नहीं पड़ेगा तो मुनाफा नहीं मिलेगा उन्हें। और भ्रष्टाचार तो सोचिए, उप मुख्यमंत्री ने क्या मुख्यमंत्री के लिए चिट्ठी नहीं लिखी? क्या भ्रष्टाचार हुआ? क्या IPS ने IPS के लिए नहीं लिखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया गया, उसकी जांच चल रही है? उप मुख्यमंत्री की लिखी हुई चिट्ठी, क्योंकि पिछड़े मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी, उसकी हो सकता है वो चिट्ठी कूड़ेदान में फेंक दी गई हो, क्योंकि एक पिछड़े जाति के उप मुख्यमंत्री ने कुछ जानकारी दी थी, कुछ जानकारी लेना चाहिए थी, आखिरकार उसकी जानकारी कहां है? तो सोचो, उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हों, वो चिट्ठी कहां है? आपको सार्वजनिक करनी चाहिए चिट्ठी। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि वो मुख्यमंत्री की चिट्ठी मुख्यमंत्री के लिए लिखी। पार्टी ने वो काम नहीं किया जो सबसे प्रिय काम है उनका। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का है शौचालय बनाना, और वो शौचालय बनाना जिसे पानी नहीं है। बताओ, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किनारे शौचालय कहां बनाए इन्होंने? मंडी नहीं बनाई। और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाए तीनों, और फिर चुनाव के बाद नए कानून फिर आ जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने साइलोज बना लिए, जिन्होंने प्राइवेट लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों बड़े लोगों की मदद कर रही है। ये जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है, ये समाजवादी सरकार का देन है। हमें दुख इस बात का है कि किसी अखबार ने नहीं लिखा कि बजट किस सरकार ने दिया गया। मुझे दुख इस बात का है कि किसी पत्रकार साथी ने किसी अखबार में यह नहीं लिख के आया कि 260 करोड़ बजट या सैंक्शन किस सरकार ने किया। तो आप भी सोचो। और ये वो एयरपोर्ट इसलिए देखने गए, हम और आप भी अगर कोई मकान लें, घर बेचें तो देखने जाते हैं, वो उद्घाटन नहीं था। वो गलत फहमी मत रही है आप। कोई जमीन जब खरीदते हैं लोग तो उसको देखते हैं पहले। तो ये BJP वाले देखा है, हो सकता है उस एयरपोर्ट को भी बेच दे। देखिए, समाजवादी पार्टी का सीधा निशाना है भारतीय जनता पार्टी को हटाना। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। पेट्रोल डीजल
प्यारे, पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार को 23 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अभी पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, खुद वित्त मंत्री यहाँ पर लखनऊ में रही, जो अधिकारियों से मीटिंग की। खबर यह है कि ये यूपी से ट्रायल रन के तौर पर उसको जीएसटी में लाने की शुरुआत करने के प्लान है, आपका क्या कहना है? मुझे नहीं पता क्या जानकारी है आपको, लेकिन अगर साइकिल चलाओगे तो डीजल पेट्रोल नहीं जरूरत पड़ेगी, तो मुनाफा किसका गया? अगर आम जनता साइकिल चलाने लगे तो किसका मुनाफा चला गया? सरकार को मुनाफा ही नहीं मिलेगा, तो सरकार बड़े लोगों को कैसे पैसे दे पाएगी? और जहां तक सवाल जीएसटी का है, ये जानते हैं कि अगली सरकार इनकी बनने वाली नहीं है, इसीलिए गन्ने की कीमत क्या रखी? गन्ने की जो कीमत बढ़ाई सरकार ने, क्या बढ़ाई, क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो जानते हैं गन्ने का तो देना ही नहीं है, भुगतान ही नहीं करना है। जब आज नहीं दे पाई जो सरकार, आज भी किसानों का 4000 करोड़ से ज्यादा बकाया है, तो इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, और ये जानते हैं कि इन्हें नहीं देना है, अगली सरकार को देना है। झूठ के फूल यही कह सकते हैं, झूठ के फूल यही कह सकते हैं कि पूर्वांचल का हम लोगों ने अनदेखी की। बलिया को बिहार से जोड़ने वाला सबसे बड़ा पुल समाजवादी सरकार ने दिया, वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उनके नाम से यूनिवर्सिटी दी, उसका बजट भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया। बलिया तक अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया, जो एक्सप्रेसवे, जिस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, जिस एक्सप्रेसवे को देने का काम समाजवादी सरकार ने हुआ, जिसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो समाजवादी सरकार ने दिया है। उसका शिलान्यास विधानसभा के सामने हुआ, लैंड एक्विजिशन हुई और आम सहमति हुई सरकार जमीन लेने को लेकर के। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो मीडियन होता है सड़क का, जो सड़क का मीडियन था, जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड से 12 मीटर होना चाहिए, 14 मीटर, केवल सड़क को बुरा बनाने के लिए, सड़क की क्वालिटी गिराने के लिए स्टैंडर्ड्स को कट डाउन किया, जो पैरामीटर्स थे उनको नीचे गिराया, और ये दिखाने के लिए कॉस्ट कम हो जाए उस सड़क को बना रहे हैं, जिसकी राइडिंग क्वालिटी बहुत खराब है इस समय।